हुकूमत पे तनकीद नहीं कर सकते बाद में जब जिहाद की कॉल होगी तो फवाद चौधरी साहब तो नहीं जाएंगे जिहाद करने के, यही तबका है जो बगैर तनख्वाह के आपके लिए शहादत देते मोहम्मद 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 मोहम्मद। आज जो टॉपिक हमें बताया गया था वो नेशनल इंटीग्रेशन का था, कौमी यकजहती की बात थी। इसमें दो किस्म की चीज़ें जो हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। मेरे भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की जिस तरफ इशारा किया। देखें, मैंने अभी तक जो बलूचिस्तान इशू पे काम किया, हमारे वो जहरी साहब मौजूद हैं, 4 साल हम लोग थ्रू आउट इस पर काम करते रहे। डेरा बुट्टी में मैंने उस दौर में जलसे कराए जिस दौर में पाकिस्तान का परचम लगाया जब पंजाबी को अपना दुश्मन समझा जाता था, और उस दौर में पश्तूनस बलोच और इन सब को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और बताना कि यार तुम हमसे बड़े पाकिस्तानी हो। नवाब अकबर बुट्टी ने उस वक़्त पाकिस्तान की हमायत की थी जब लोग डर रहे होते थे। अब इशू ये है, जहाँ तक स्टेट की बात की गई या गवर्नमेंट की बात की गई, हमारा गिला अपनों से होता है। पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो पॉलिसीज इस तरह की बनाते हैं कि जहां पे आपने डंडा चलाना होता है, अभिनंदन का मामला है, कर्नल जोसेफ का मामला है, रेमंड डेविस का मामला है, वहां मुजाकरात कराते हैं। जहां मुजाकरात का मामला होता है, आपके ट्राइबल एरियाज फाटा की बात, आपके केपीके के लोग, आपके बलूचिस्तान के लोग, आपके इंटीरियर सिंध के लोग, वहां डंडा चलाते हैं। वहां से हम लोग मौका देते हैं। देखें, बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने, मुक्ति बानी के गद्दार भी थे, हिंदुस्तान का रोल भी था, सारा था। अमेरिका ने अपना रोल प्ले किया बाद में पाकिस्तान को उसके अमन को सबोताज करने के लिए। गल्फ कंट्रीज का भी कुछ रोल हो सकता है गवादर के मामले में। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक बैटलफील्ड भी बन गया ईरान और सऊदीया के दरमियान, लेकिन कहीं ना कहीं हमने मौका दिया दुश्मन को कि वो क्या होता है उसको आप सर कह के नहीं मुखातिब कर सकते, भाईजान कह के मुखातिब करना तो आपका क्या जाता है, रवैये हमेशा से मार देते हैं। इस पे क्या सोल्यूशन, क्या जो एक सिविल मिलिट्री गैप आ गया मुशरफ एंड आफ्टर मुशरफ की गवर्नमेंट में, उसको ओवरकम करने के लिए 3 बंदे मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। नंबर 1 जनरल नासिर खान जंजुआ, जिस तरीके से बलूचिस्तान के इशू को उन्होंने रिजोल्व करने के लिए अपना रोल प्ले किया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे, कोर कमांडर क्वेटा भी रहे, फिर DGFCNA हमारी बहन के इलाके के हैं जनरल साहब, उनका बड़ा पॉजिटिव रोल है कि गिलगित का एक आम आदमी भी उन्हें डायरेक्ट कॉल कर लेता है कि जनरल साहब हमारा नलका नहीं लगा, वो कहते ठीक है मैं लगवाता हूं, बंदा भेजता हूं। और तीसरा आप लोगों का जनरल आमिर रियाज का एक पॉजिटिव रोल था। ऐसे लोग हैं जो कि बाकियों से काफी ज्यादा डिफरेंट है और पॉजिटिव रोल उन्होंने प्ले किया। फिर आप आते हैं आगे की तरफ कि हम लोगों ने मौका दिया अपने लोगों को कि हिंदुस्तान उनको मिसयूज करे, उसको एक्सप्लॉइट करे। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट की है। एक मैं समझता हूं कि एक नोबल कॉज के लिए अगर मंजूर उठा था तो उस कॉज को एक्सप्लॉइट किया गया गुलेल इस्माइल टाइप के लोगों की जानिब से, एंटी स्टेट एलिमेंट्स की जानिब से, और उसके बाद वो मसला सिर्फ मंजूर का नहीं रहा, वो मसला ये समझने की कोशिश करें कि 1948 में जब जनरल ग्रेसी ने इग्नोर कर दिया था फोर्सेस भेजने के, तो उस वक्त हमारे ट्राइबल एरियाज के पठान गए थे और आपको आजाद कश्मीर आजाद करवा के दिया था। रूस जब तशरीफ लाया था तो 6-7 टुकड़ों में से तकसीम करके उसकी सुपर पावर के गरूर को रोंद के जब परे फेंका था, ट्राइबल एरियाज के लोगों ने फेंका था, तो दुश्मन का सबसे जरा जो बड़ा टारगेट था वो यही था कि इन लोगों को किसी तरीके से रियासत से नाराज किया जाए, और हम लोगों ने पूरा मौका दिया नाराज करने का। दूसरा काम क्या किया, आपके लिए बगैर तनख्वाहों के शहादत देने वाले लोग जो मजहबी तबका है, हमने उसको नाराज किया। लाल मस्जिद ऑपरेशन करके सबसे पहले हमने एक स्कूल ऑफ थॉट को नाराज किया, हजारा किलिंग्स पे काबू ना पाके दूसरे को नाराज किया, हमारे चुबर्जी पर